वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। आज का प्रोफेशनल प्राइम में जो क्लास है और एक्सेल शीट में आप किस तरह से अपने डेटर्स का यानी कि अपने पार्टी का बैलेंस मेंशन करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करेंगे, इससे रिलेटेड आज की क्लास है। किसी भी कंपनी के डेटर के या पार्टी का बैलेंस किस तरह से हम अपने एक्सेल शीट में मैनेज करेंगे, तो आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पार्टी का नाम आप टाइप कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट, जीएसटी नंबर टाइप कर सकते हैं, और ये पूरी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक। यहाँ पे सिर्फ आपको डेट पार्टिकुलर, डेब्टर, क्रेडिटर, सिर्फ ये चार ही फिल करने हैं, बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिक लेंगे। उसमें आप कुछ छेड़खानी भी करिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब प्रोटेक्टेड है। इसमें किसी में भी आप करिएगा, ये एक में भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड हैं, ये सब सारे ऑटोमेटिक लेंगे। अगर आपका क्रेडिट में रहेगा तो ये ग्रीन हो जाएगी, डेबिट में रहेगी तो ये रेड हो जाएगी। आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी अभी सीरियल नंबर नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ मैं अब डेट लिखूँगा और ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर ले लिया। पार्टिकुलर में मान के चलिए मैंने अमाउंट रिसीव की, अमाउंट रिसीव का किया, और यहाँ पर क्रेडिट में 50,000 रुपये मैंने रिसीव किया। देख लीजिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, बैलेंस आ गया और ये ग्रीन हो गई। अगर सेम डेट में मैं यहाँ पे या किसी भी डेट में यहाँ पे मैं सीरियल नंबर आ गया, डेट लिख करके और गुड्स सेल कर रहा हूँ, गुड्स सेल कर रहा और वो गुड्स मान के चलिए 15,000 रुपये की है, और यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर मारूँगा, ये देखिए ये क्लोजिंग माइनस आ गया और यहाँ भी आपका दिखाई दे रहा है माइनस, और यहाँ तो जो कुछ होगा वो तो आ ही गया। अभी यही चीज़ आप यहाँ से आप बैक करके मेन हेड पेज पे आ जाइए और यहाँ देखिए ए वाले पार्टी जो है उसका उधार भी यहाँ पे माइनस 5,000 रुपया शो कर रहा है। तो ये और यहाँ से फिर आप क्लिक करके फिर इस पार्टी पे आ सकते हैं। तो इस तरह के फुली ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड शीट आप कैसे बनाएंगे, चलिए आपको वन बाई वन इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले आप ये मेरा प्रोफेशनल प्राइम चैनल जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए चलते हैं अब हम इस शीट पे और एक नया एक्सेल शीट ओपन करते हैं, जिस पे मैं वन बाय वन करके सारे के सारे सेटिंग करूँगा। सबसे पहले मैं ऊपर में लिंक टाइप कर दूँगा, कंपनी नेम यहाँ पर एज ए डेमो मैं लिख देता हूँ, आपका जो कंपनी का नाम हो, आप पार्टी PR पार्टी क्लोजिंग बैलेंस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यहाँ मैंने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे मैं लास्ट में सीरियल नंबर नीचे दूंगा, उसके बाद पार्टी नेम, नेक्स्ट उसका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस उसके बाद मैं यहाँ पे दो ठो जो कॉलम है इसको आपस में मर्ज कर देंगे और इसमें लिख देंगे डी आर एंड CR। ओके, अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये सब कुछ अपने आप अपने जगह पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर से इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको भी सेम पोजिशन में कर देता हूँ, और ये दोनों अपने जगह पे आ चुके हैं। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आ चुका है। पार्टी का नाम थोड़ा अगर बड़ा भी हो सकता है तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा स्पेस दे दें, क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज रहने दें। और इसमें मैं ये आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में उधार जमा हिंदी में और ये डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस दोनों ये को आपस में मर्ज कर दिया। इसमें एक करके मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसलिए मैंने इस दोनों का आपस में मर्ज किया है। अब समझ चुके हैं ये चीज़। अब हम आते हैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे और लाइन कलर अगर जो भी देना चाहते हैं वो आप चूज कर लीजिए, उसके बाद लाइनिंग का स्टाइल जो देना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ आ करके इसे भी चूज कर लीजिए। अभी मेरा ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक इसने सब कुछ ले लिया है। अब यहाँ पे मुझे जितने पार्टी का लेजर बनाना है वो सब कुछ हम यहाँ पे इतना दूर सेलेक्ट करके फिर से इसे क्लिक कर देंगे तो सेम वही लग जाएगा, और ये जो साइड में आ रही है ये सब
इसको अगर मैं ये ग्रिड लाइन को हटाना चाहूँ तो व्यू में जाकर के आप ग्रिड लाइन पर क्लिक कर दीजिए, ये पूरी की पूरी ब्लैंक हो चुकी है। अब इसके सेटिंग को थोड़ा सेटिंग कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, इसका फॉन्ट चेंज कर दीजिए। अब ये देखने में भी थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तक का काम हो गया। अब नेक्स्ट इसके साइड में जो हम लगाएंगे वन बाई वन करके, अब उसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में शेप में जाएंगे, शेप में ये शेप ले लेंगे और इस शेप को हम यहाँ से इस तरफ पकड़ के जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे खींच करके और यहाँ से जिस तरह का डिजाइन चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसी पे आकर के आप राइट क्लिक कर दीजिए, एडिट टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे लिख दिए CLICK। अब इसको पूरी तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसके फॉन्ट को आप जैसा चाहें वैसा दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा करने पे आप देख रहे हैं इससे ये होगी। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके और इस सारे लाइन पे वन बाय वन करके मैं इसे पेस्ट करता जाऊँगा। फिर कंट्रोल भी, उससे नीचे आएंगे कंट्रोल भी, फिर इससे नीचे आएंगे कंट्रोल भी, एज इट इज ऐसे करके आप एक एक करके इस सारे की सेटिंग करनी है, इसमें लाना है। तो इसलिए कंट्रोल प्रेस करके इस सारे को वन बाय वन आप क्लिक कीजिए, ये टोटल को आप सेलेक्ट कर लीजिए एक एक करके। सेलेक्ट करने के बाद इसे रॉ वाले जो हैं एरो, उससे आप इसको जितना इस साइड लाना चाहें कर सकते हैं और साइड में इसे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए बिल्कुल अब लाइन में आ चुकी है। अब हम इसको अगर थोड़ा पूरे आपस में ये सटे हुए हैं, इसको थोड़ा बहुत हटाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से हल्का सा पकड़ के नीचे करेंगे और ये सब कुछ अपनी जगह पे हो चुकी है। ये पूरे के पूरे सिस्टमेटिक हो चुके हैं। अब ये डेप्टर वाला जो CR और DR इसमें लिखा हुआ आएगा तो इसके लिए इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इतना बड़ा नहीं चाहिए। और इसका नाम अगर बड़ा आएगा पार्टी का तो इसके लिए आप इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है। अब हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करके रख लेते हैं। ये काम मेरा समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी सीट ये बनाएंगे इस सबको उस सीट से लिंक करेंगे वन बाय वन करके। इसके लिए मैंने ये क्लिक वाला ऑप्शन बनाया है। अब हम दूसरे सीट पे आ जाते हैं। दूसरे सीट पे अब देखिए कि क्या सब है आपका, यहाँ पे देख लीजिए ये सारे के सारे सेटिंग वन बाय वन करने हैं एक एक करके। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो ये सीट वन जो लिखा है उसका नाम हम चेंज करके रख देंगे हेडिंग, हेडिंग या जो भी आपको बेटर लगे वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे सीट का नाम ए रख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ओके, ये सारे के सारे काम अब यहाँ पे हो चुके हैं। अब पॉइंट नंबर टू पे आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम PARTY, सॉरी PARTY पार्टी नेम, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर या आप एड्रेस भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही अगर बनाते हैं कम। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, उसके बाद GST नंबर डाल दीजिए। यहाँ तक का काम हो गया। अब हम इस सब को क्या करेंगे, आपस में ये दोनों लाइन को मर्ज कर देंगे और सारे के सारे से यहाँ से फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मेट पेंट पे जाएंगे और सब में यही सिस्टम रखना है। तो ऐसे करके इस सब को एक साथ आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये इधर आ चुका है। अब यहाँ से हम सबसे पहला काम करेंगे क्या, लेंगे सीरियल नंबर एक, दूसरा में लिखेंगे हम डेट, तीसरा हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, तीसरे में आ जाइए डेबिट अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हो चुका है। अब ये देखिए कहाँ तक हमने लिखा है, तो इसके लिए इस पर क्लिक करिए, ये सारे के आपस में सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे क्या DR एंड
सी आर, उसके बाद क्लोजिंग, लास्ट में हम लिख देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सब कुछ ये आपस में सेट हो चुकी है, आप देख लिए हैं। पार्टिकुलरली मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है कर सकते हैं, डेबिट अमाउंट वाले को बड़ा करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बड़ा करना है कर सकते हैं। और इसको इसमें सिर्फ डी आर सी आर लिखा है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से सबको थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, आपस में सेम टू सेम यही मर्ज कर देंगे जैसा कि इसमें मैंने किया है। इसके बारे में सेलेक्ट करके ये सब हो गया। अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से पहले इस पे से लगाएंगे ये सारे बॉर्डर, और फिर ये थोड़ा इससे ज़्यादा लंबा है तो इसमें भी लगा देंगे। और हम अब क्या करेंगे, फिर से इस सारे को अब हम सेलेक्ट कर लेंगे आपस में यहाँ तक पूरा, और एक ही बार में हम इसका ये बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट चेंज कर देंगे ताकि बार बार ना करना पड़े हमको, और कंट्रोल एस से अब हम इसे सेव कर लेंगे। यहाँ तक आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्लोजिंग सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ आ चुका है। इस सब को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे इसको क्लिक करके सेव कर लेंगे। यहाँ तक का मेरा सारा काम हो चुका है। अब यहाँ से हम एक शेप लेंगे, इसमें इंसर्ट में आ जाकर शेप लेंगे और ये वाला, और इस पे यहाँ पे एक बॉटम सेट करेंगे। ओके, बॉटम का कलर जो भी आप देना चाहते हैं अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, और इसमें राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे लिख देंगे VSC के, और इसको हम पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। होम पेज पे जा कर के बोल्ड कर देंगे, इसका जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से लगा करके इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ तक का काम हो चुका। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देंगे, मुझे क्लोजिंग बैलेंस देखनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्लोजिंग लिख के छोड़ देंगे, और यहाँ पर इस दोनों सीट को आपस में, दोनों कॉलम आपस में मर्ज कर देंगे, और यहाँ पर हम फिर वही DR और CR लिखेंगे, और नीचे वाले को भी आपस में मर्ज कर देंगे, और फिर इस चारों सीट को हम इस, ये भी मर्ज नहीं हुआ है, इसको भी आप मर्ज कर लेंगे। ओके, अब इस सब को हम सेलेक्ट करके यहाँ चारों तरफ बॉर्डर लगा करके सेव कर देंगे। अब इसमें DRCR, इसमें हिंदी में जमा और उधार दोनों लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, और ये जितने भी अब ये देख रहे हैं ग्रिड, इस सब को हम यहाँ से अभी व्यूज में जा करके ग्रिड पर क्लिक करके सारे को हटा देंगे और सेव कर देंगे। फिर यहाँ से इस सब को हम जितना सेलेक्ट कर लेंगे, और मैं लगभग यहाँ से 100-150 पेज या 50-60 पेज अभी ले लेता हूँ, आपको जितना बड़ा करना है उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर आइएगा, होम बटन पे जा करके बॉर्डर लगा दीजिएगा, और ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है।